यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। शिकोहाबाद पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्ध अराव की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास अवैध असला भी है, जो लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर हरकत में आई शिकोहाबाद पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मांडई गांव के पास बैरिगेटिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान अराव की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। देखिए, आज अभी थाना शिकोहाबाद में, जो हमारा मैनपुरी अराव रोड है, इस पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस हमारी पार्टी वहाँ गश्त पर थी और ये संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर दिखाई पड़े, पुलिस के द्वारा इनको रोका गया। इनके द्वारा पुलिस पार्टी को फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में इसमें से दो व्यक्ति मौके पर इंजर्ड हुए हैं, उनको यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया है, उनका उपचार चल रहा है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इन्होंने यहाँ पर दो घटनाएं, एक घटना 30/8 को हुई थी और दूसरी अभी हाल में ही 28 तारीख को घटना हुई थी। भागने के दौरान उनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। पुलिस टीम को नजदीक आता देख मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। पहली घटना में इन्होंने एक 4,000 रुपए और एक चेन लूटी थी और अभी दोबारा में इन्होंने एक जो ग्राहक सेवा जनसेवा केंद्र होता है उसके जो है वो अपने घर आ रहे थे, उससे इन्होंने उसका थैला छीना था, जिसमें टिफिन के अंदर लगभग 50,000 रुपये थे। इस संबंध में ही थाना शिकोहाबाद पर दोनों अभियोग पंजीकृत हुए थे। उसी में ये दो बदमाश जिन्होंने की लूट घटना की थी पकड़े गए हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इसके तीन अन्य साथी भी इनके उस घटनाओं में शामिल रहे हैं। अभी मौके पर आसपास को उम्मीद की जा रही है इनके साथ में और भी जो बदमाश थे वहाँ से भागे हैं। कई थानों की पुलिस वहाँ पर इकट्ठी है और आसपास के क्षेत्र में गहन तलाशी की जा रही है। घायलों के पास से दो अवैध असला, दो कारतूस, दो खोखा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल, लूट के 9,230 रुपए और एक सोने की चेन बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाशों में एक थाना जसराना का हिस्ट्री शीटर है। सी न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।